नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस को लेकर आज पूरा देश दहशत में जी रहा है। महाराष्ट्र में अब एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है। सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और लोगों से अपील कर रही है, आप लोग अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। एक जरूरी बात हम आपको बता रहे हैं, मुम्ब्रा कौसा शील के लिए ये जरूरी ऐलान है। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज मुम्ब्रा में दरगाह रोड के पीछे हॉस्पिटल चालू कराया है, जो इस हॉस्पिटल में गरीब मजदूर व हर कोई जाकर चेकअप करा सकते हैं, दिखा सकता है। चाहे खांसी हो, बुखार हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी समस्या हो। एक बार फिर आपको बता दें, यह हॉस्पिटल थाने महानगर पालिका की तरफ खुली है, जिस हॉस्पिटल का नाम हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह के नाम से खुला हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कोरोना वायरस को बढ़ते देख ये इमरजेंसी में कदम उठाया है। कलवा में भी ठीक इसी तरह से हॉस्पिटल खुला है। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा, आप सुनिए। दो तीन दिन लोगों की गंभीरता कम है, लेकिन लोग गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक को अपनी जान की कीमत है ना। माँ बच्चे को रोकेगी, बीवी मर्द को रोकेगी, बहन भाई को रोकेगी, हर एक को चाहिए ना कि अपनी जान बचे। ये ऐसा गंभीर है मुम्ब्रा का, हर आदमी सोच रहा है कि मैं मेरी जान कैसे बचाऊँ और मेरे बाजू वाले की जान कैसे बचाऊँ। कोई अपने जान पे उदार नहीं होगा। और मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि 8 से 11 सिर्फ मुम्ब्रा का अंडे का दुकान, दूध का दुकान, भाजी का दुकान, तरकारी का दुकान खुला रहेगा। सुबह 8 से लेकर 11 जिसको मांगता है जाके खरीद लो, वो भी भीड़ मत करो। 11 बजे के बाद रस्ते पे कोई दुखेगा, अगर पुलिस ने कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं। सर दवाखाने को लेकर स्पेशल दवाखाना बनाया गया है। जिसको भी खास करके खांसी और बुखार है वो सिर्फ इस दवाखाने में आए, ताकि आगे का उसका क्या करना है वो हमारे मेडिकल ऑफिसर, हम लोग बैठ के उसका एम्बुलेंस लगाना, उसको हॉस्पिटल में ले जाना, उसकी आगे की जाँच करना हम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। यही कलवा में किया गया, यही मुम्ब्रा में भी है। तो आपने सुना जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा। माहौल को देखते हुए हॉस्पिटल मुम्ब्रा में चालू किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। पहले यहाँ पर चेकअप होगा, उसके बाद पेशेंट किस तरह का, कैसा सीरियस है, फिर उसे रेफर किया जाएगा। और हम बात करते हैं नगर सेवक शानु पठान से, जिनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। शानु भाई, आज जो है कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है और ऐसे में आज यहाँ पर जो है हॉस्पिटल खोला गया, इसमें क्या क्या चीजें, कितने डॉक्टर अपॉइंट हैं, किस तरह से लोगों को इलाज यहाँ पे होगी? देखिए, ऐसा है कि इस बीमारी को गंभीरता से लेते हुए माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने सभी टीएमसी के डॉक्टरों से चर्चा की। मुम्ब्रा कौसा की डॉक्टर लोग आगे आए, उनसे चर्चा करके एक टीम बना के मुम्ब्रा कौसा के अंदर ऐसा कोई मामला हो उसे कहाँ टेस्ट करना चाहिए, वो उसे शिवाजी भेजना चाहिए या कस्तूरबा, उसके ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया। जो हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा का जो हॉस्पिटल है उसको शिवाजी नगर में, उसको उसका सेंटर बनाया गया, जिसमें थाने महानगर पालिका के डॉक्टर और मुम्ब्रा कौसा के डॉक्टर की टीम इधर अवेलेबल रहेगी। खांसी और जुकाम, सर्दी, सरदर्द, ऐसा कोई टेस्ट जो है वो इधर ही किया जाएगा। बाकी जो जनरल टेस्ट है वो सभी चेक क्लिनिकों में कर सकते हैं, लेकिन मुम्ब्रा कौसा में अभी ऐसा कोई बीमारी होती, ऐसे पेशेंट होते तो उन्हें यहीं आया जाए। खासतौर से उनकी बैक्टीरिया, उनकी बीमारी से दूसरे पेशेंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए और मुम्ब्रा कौसा वालों को दूर ना जाना पड़े, इसके लिए निर्णय लेते हुए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने ये निर्णय लिया। टीएमसी के डॉक्टर और मुम्ब्रा कौसा के डॉक्टरों ने एक टीम बनाई है, यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। कल से मुम्ब्रा कौसा को ये दवाखाना सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग पेशेंट हैं सानू भाई, जो पेशेंट है वो आने के लिए उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही, तो उसके लिए भी कुछ सहूलियत है क्या आपके पास? क्या कुछ हेल्पलाइन हो जो यहाँ पर लाकर छोड़ा जाए उन्हें? ये हेल्पलाइन नंबर डॉक्टर आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब ने खुद दे दिया है और हम सभी नगर सेवकों का नंबर लोगों के पास है, वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट करें। पुलिस को भी, पुलिस के साथ उन्होंने मीटिंग किया, पेशेंट को पुलिस राहत देगी। बाकी सभी लोगों के लिए सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक दूध से लेके मार्केट के लिए खोला गया है। मुम्ब्रा कौसा की आवाम से ये गुजारिश की जाती है कि नियमों का पालन करें और पुलिस को सहयोग करें। ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जान की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ना ही कोई आपको कैद कर रहा है, ना ही कोई आपको लॉकडाउन कर रहा है।
लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसी गंभीरता की जो गंभीर विषय है, सीरियसनेस है, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। मुमरा कोसा की आवाम से गुजारिश है कि उसका पालन करें। ख़ास तौर से मैं मुमरा कोसा की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें, ऐसी कोई दिक्कत है तो अपने पड़ोसियों की मदद करें, ऑटोमेटिक चेन के माध्यम से पूरे समाज को मदद पहुँच जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।